नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध देखने वाले हैं। हमने अपने कल के वीडियो में भी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध ही बताया था, लेकिन बात इतनी थी कि उसमें अवतल दर्पण था और इसमें उत्तल दर्पण है, तो दोनों में तो होगा संबंध वही, लेकिन सिद्ध अलग अलग होगा। तो दोनों में जो संबंध होगा वो हमारा होगा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन सिद्ध हम अलग अलग प्रकार से करेंगे, क्योंकि जो जो दोनों मिरर हैं वो अलग अलग प्रकार से बनते हैं। एक का परावर्तक पृष्ठ दबा रहता है, एक का परावर्तक पृष्ठ उभरा रहता है, तो एक में कल्पना होती है, एक में रियलिटी होती है। इस वजह से दोनों को हम अलग अलग सिद्ध करेंगे। फिलहाल तो आइए हम लोग इसमें हम लोग उत्तल दर्पण सीखेंगे, ठीक है। यानी कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो जानेंगे। संबंध तो आपको पता है, बट हम सिद्ध करना जानेंगे। हमारी मेन टॉपिक यही है कि हम सिद्ध कैसे करें। बाकी आपको तो संबंध पता ही है, भली भांति आप जानते हैं। तो फिलहाल फिर से वही, पहले आपको ये फिगर जो दिख रहा है ये आपको समझना है। अगर ये फिगर आ गया तो सिद्ध तो आप कर लेंगे। परावर्तन का नियम इसमें भी लगने वाला है। पहली बात तो जो लोग पुराने वीडियो ना देखे हैं वो जाके देख ले, क्योंकि दोस्तों मैंने उसमें परावर्तन के नियम, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी ये सब बता रखी है वगैरह वगैरह, तो आप जाके उसमें देख लीजिए। फिलहाल तो आइए हम लोग आपको इसमें ये फिगर का मतलब बता देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, पहली बात तो जो आपको मिरर दिख रहा होगा वो उत्तल है। इसके इस भाग में कलाई की हुई है और इस भाग को हमने चिकना रखा है। ये जो गई ये मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली सीधी रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और इसके समांतर हमने प्रकाश की एक किरण आपतित की। क्या की दोस्तों? प्रकाश की एक किरण आपतित की। तो आपको भली भांति पता है कि प्रकाश की जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है ना, ऐसा ही कुछ तो है। अवतल जो दर्पण था उसमें डायरेक्ट गुजर जाती थी, हमने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था, लेकिन जो उत्तल है उसमें गुजरेगी नहीं, हमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी हम ऐसा उसके साथ करेंगे, जबरदस्ती उसे पीछे मिलाएंगे। देखिए, पहली बात तो आप ये इसकी सतह क्या है दोस्तों, चिकनी है। अब मान लीजिए, अब प्रकाश को एक गेंद मान लीजिए, ठीक है, जो ये आपकी किरण है इसको एक गेंद मान लीजिए। अगर आप कोई गेंद यहाँ से फेंके तो यहाँ से टकरा के ऊपर ना चली जाएगी? हाँ बिल्कुल चली जाएगी। तो ये देखिए ऊपर चली जाएगी, लेकिन यदि इस जो ये जहाँ ये टकराई वहीं से इसे हम इसे पीछे खींचे तो देखिए ये फोकस पे आ रही है ना। यानी नियम यहाँ भी लग रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। देखिए ये हमारी परावर्तक किरण परिवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। तो देखिए ये परावर्तित किरण है, हम इसको ऐसे पीछे मिला है तो ये फोकस से मिल रही है ना। हाँ मिल रही है। और एक चीज़ जान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या, अगर ये जो हमारा वक्रता केंद्र है यहाँ से हम बी सी को हम बी तक बढ़ाए हैं। कहाँ तक बढ़ाए हैं? बी तक। और मान लीजिए इसे सीधा ले जाएं तो क्या एन बी हमारा अभिलंब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ भी हम परावर्तन का नियम ही लगाएं। तो फिलहाल आइए हम लोग आपको लिख के बताते हैं। देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो यानी ये हमारा कोण आई हुआ और ये हमारा कोण आर हुआ ना। तो चलिए आइए लिखते हैं, कोण ए बी एन आपतन कोण एन बी डी ठीक है, परावर्तन कोण। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ए बी एन बराबर कोण एन बी डी। रीजन क्या देंगे? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। समीकरण फर्स्ट, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे आपको हल करके बताते हैं। देखिए, कोण ए बी
एन बराबर कोण एफ सी बी। अब बात है ये क्या है ना, पहले देखिए फिगर में ये है कहाँ, कोण ए बी एन, ए बी एन मतलब दोस्तों ये वाला कोण, हमने आपको बताया है कि कोण अगर तीन दिया रहा है उसमें जो बीच वाला होता है वही कोण होता है, तो ए बी एन, ए बी एन यानी ये कोण भी तो यहाँ है ना, यानी ये वाला कोण। उसके बाद कोण एफ सी बी, एफ सी बी मतलब दोस्तों ये वाला कोण, ए ये, ठीक है दोस्तों ये कोण। अब कैसे ना, पहले हम इसका आपको रीजन दे देते हैं कि मैंने किस आधार पे लिख दिया, तो ये संगत कोण है। क्या है दोस्तों, संगत कोण, समीकरण सेकेंड। अब आइए हम आपको दिखाते हैं संगत कोण कहाँ है, तो पहले आप देखिए दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद की, देखिए एक ये एक ये, ये दो समांतर रेखा है। अब ये देखिए इसको हम तिर्यक रेखा मान लेते हैं, क्या करते हैं तिर्यक, जैसे मैंने यहाँ अलग से खींच दिया है, अब बताइए उसको मैंने तिर्यक रेखा मान दिया ना, तो अब दोस्तों जो ये कोण इसके संगत हो जाएगा, और संगत कोण भी हमेशा आपस में बराबर ही होते हैं, तो ये कोण इसके संगत हो जाएगा। जैसे मैंने कल के जो कल मैंने अवतल में सिद्ध कराया था उसमें मैंने ये बताया था कि ये कोण एकांतर हो जाएंगे ना, वैसे इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये कोण संगत हो जाएंगे और इधर का कोण इसके संगत हो जाता है। तो वैसे ही देख लीजिए, अगर ये अगर हम एक इसे मान लेते हैं, थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लीजिए, तब ये दो समांतर रेखा हो गई, और मानते हैं ये एक तिर्यक रेखा जो इसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण ये संगत नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये समीकरण सेकंड से मैंने इसे संगत दिखा दिया। अब बताइए समीकरण फर्स्ट व सेकंड में इधर की साइड बराबर है, तो इधर की भी साइड बराबर हो जाएगी, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से, तो एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी, समीकरण थर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आइए आगे लिखते हैं हम लोग, तो देखिए आगे हमें जो लिखना है वो ये लिखना है, कोण एन बी, एन बी डी बराबर कोण सी बी एफ। अब आइए इसे भी हम आपको समझा देते हैं, इसे हम समीकरण फोर्थ मान लेते हैं ताकि आपको हल करने में आसानी हो, फोर्थ मान लिया। अब देखिए इसे हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये कहाँ से हमने लिख दिया ना, देखिए पहले ढूंढिए कहाँ है ये फिगर एन बी डी, एन बी डी आई मीन दोस्तों मैंने ये कोण ले रखा है, देखिए एन बी डी तो यानी ये कोण बीच में बी है तो बी वाला लिया, सी बी एफ, सी बी एफ मतलब दोस्तों ये बी बीच में था ना, तो सी बी एफ बीच में बी फंस गया। तो अब बताइए, अब यही ही आप देख लीजिए, यही थोड़ा सा देखिए इसी फिगर में आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं, जैसे देखिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, या फिर कोई ऐसा ही है, क्या है तो ये सामने का कोण ये इसके बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण नाम देते हैं, क्या देते हैं शीर्षाभिमुख कोण नाम देते हैं। और अगर इस फिगर में आप समझिए ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, वैसे ही यहाँ देखिए ये एक रेखा गई ना, और इस पे ये एक प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो इस वजह से हमने इसे क्या लिख दिया है, कोण एन बी डी बराबर कोण सी बी एफ, रीजन देंगे हम इसे क्या, शीर्षाभिमुख ये हमारा रीजन है, ठीक है। अब फिर वही दोस्तों कि इधर की साइड बराबर है तो इधर की साइड भी बराबर हो जाएगी, तो लिखिए समीकरण थर्ड व फोर्थ से, समीकरण थर्ड व फोर्थ से, तो कोण एफ सी बी बराबर कोण सी बी एफ, इतनी बात आई। अब इसे हम समीकरण फिफ्थ कर देते हैं, ठीक है। अब आइए हम आगे लिखते हैं, पहली अब वही कंडीशन जो हम अवतल में लगाए थे वही हम इसमें भी लगाने चल रहे हैं, देखिए ये मैंने लिख दिया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये समीकरण थर्ड और फोर्थ से आया है, लेकिन अब इसे हम समीकरण फिफ्थ माने हैं, जो मैंने अवतल दर्पण में आपको बताया था वही मैं उत्तल दर्पण में भी यहाँ बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको देखिए, पहले ये हम कोड ढूंढ लेते हैं, देखिए कोड एफ सी बी,
एप सी बी यानी दोस्तों ये कोड ना, और कोड सी बी एप सी बी यानी ये कोड। अब जरा सोचिए जो मैंने कल बताया था ऐसा ही कुछ एक त्रिभुज ड्रा था। था ना दोस्तों। और अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भी भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ये नियम मैंने कल अभी आपको बताया था, आज भी बता रही हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलिए अब जो मैंने यहाँ ये कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं यहाँ लिख रही हूँ बी एफ बराबर एफ सी। उसके आधार पे दोस्तों ये हो सकता है ना, देख लीजिए समझ लीजिए कि उसके आधार पे ये हो सकता है। हाँ बेशक हो सकता है। अब उसके आगे हम लिखते हैं देखिए बी एफ बराबर पी एफ। अब बात आती इसे मैंने कहाँ से लिख लिया, पहले देख लीजिए बी एफ कहाँ है पी एफ कहाँ है। तो ये रहा बी एफ और ये रहा पी एफ। अब कैसे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देखिए यदि दर्पण, यदि दर्पण का द्वारक द्वारक छोटा है तो बिंदु, तो बिंदु बी कॉमा ध्रुव के, ध्रुव यानी पी के निकट होगा। इस आधार पर मैंने ये लिखा, पहले आप समझ लीजिए जो लिखा है यहाँ इसका मतलब क्या कह रहा है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब दोस्तों मैंने आपको कल द्वारक बताया था क्या चीज है। अब इसे मान लीजिए ये दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, ये मत सोचिए कि आप उत्तल हो अतल हो, वैसे भी मैंने कलाई नहीं की है आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा दर्पण है, ठीक है। तो अगर मैंने इधर कलाई कर दी तो ये उत्तल हो गया, इधर कलाई कर दिए तो अवतल हो जाएगा। तो मान लीजिए देखिए जो परावर्तक पृष्ठ होता है, क्या होता है दोस्तों, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी का जो व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक होता है, क्या होता है, वही दर्पण का द्वारक होता है। अब बताइए यही तो है ना दर्पण का द्वारक, यहाँ ये इस छोर से इस छोर की दूरी ही दर्पण का द्वारक है। तो अब देखिए कह रहे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, मतलब दोस्तों दर्पण इतु सा हो जाए, ठीक है। तो अब बताइए ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश के समांतर चलने वाली किरण, और ये ऐसे परावर्तित होके जाएगी, लौटेगी तो इधर, लेकिन जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे चली जाएगी। तो अब बताइए ये रेखा हमारी जो ये है और जो यहाँ से आई है ये लगभग लगभग बराबर हो जाएगी ना, हाँ बराबर हो जाएगी। इस आधार पर मैंने इसे यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसे समीकरण आप 6 कर सकते हैं और इसे समीकरण 7 कर दीजिए। देखिए समीकरण ज्यादा जा रहा है लेकिन हल करने में बहुत आसानी होगी। अब समीकरण 6 व 7 से लिख दीजिए, समीकरण 6 व 7, फिर वही इन दोनों की एक साइड बराबर है तो अगली साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इसे भी मैंने कर दिया ना समीकरण 8 कर दीजिए, ठीक है। जितना समीकरण आप मान लेंगे उतनी आसानी होगी, अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, रीज़न दे नहीं पाएंगे। अभी जब आगे हल करेंगे तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से ऐसा कर दिया। तो इसलिए हम समीकरण मान रहे हैं ताकि जब हमसे रीज़न पूछे तो हम लिख देंगे समीकरण इतने से उतने से, जिसका भी रीज़न हम देंगे। तो फिलहाल आइए हम लोग अभी आगे कर लेते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा है वो है बी एफ इक्वल पी एफ, ठीक है दोस्तों। बी एफ इक्वल पी एफ यानी एक प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो समीकरण कहाँ, इसे मैंने लिया है समीकरण 7 से, कहाँ से लिया है समीकरण 7 से, ठीक है। अब देखिए अब मैं हम आपको लिख के दिखाते हैं कि आखिरकार हम यहाँ करना क्या चाहते हैं ना। चलिए आगे देखिए, आगे हम लिख रहे हैं कि पी सी इक्वल पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। ये इतना कहाँ से लिख दिया ना, अब आइए आपको फिगर में समझा देते हैं। कह रहा है पी सी इक्वल, अब देखिए ये रहा पी और ये रहा सी,
कल भी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई ये एक दूरी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, बीच में एक बिंदु सी भी पड़ रहा है, तो इस दूरी को हम ए सी प्लस सी बी के दौरान भी तय कर सकते हैं और डायरेक्ट ए बी भी कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पी और सी है, पी को हम पी एफ प्लस एफ सी भी कह सकते हैं ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है पी एफ प्लस एफ सी कह सकते हैं ना। अब बताइए पी एफ प्लस एफ सी, हाँ करेक्ट है। अच्छा जी, अब थोड़ा यहाँ देखिए, ये रहा एफ सी बराबर क्या दोस्तों, मैंने लिखा है पी एफ लिखा है ना मैंने, एफ सी बराबर पी एफ समीकरण एट से ना, तो जहाँ एफ सी है वहाँ आप पी एफ रख लीजिए, क्योंकि बराबर है तो किसी को भी किसी के बराबर हम रख सकते हैं। पी एफ रीजन क्या देंगे, समीकरण एट से मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अब जब आप जोड़ेंगे तो पी सी बराबर आ जाएगा टू पी एफ। अब देखिए यहाँ फिगर में पी सी क्या है, पी सी जो देख रहे हैं ये वक्रता त्रिज्या है, क्या है दोस्तों पी सी हमारी वक्रता त्रिज्या है, और जो हमारी पी एफ है देखिए फिगर में पी एफ ये फोकस है, तो ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी, तो यानी दोस्तों जो हमारा पी एफ है वो क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी यहाँ ठीक था, हो गया सिद्ध, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, ठीक है। ये प्रूफ होगा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एफ का पक्षांतर कर दीजिए कूड़े में इधर आके, अरे ऐसे नहीं, एफ का मान निकालना तो टू का पक्षांतर करिए गुणे में इधर आके भाग में, तो ये हम भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए दोनों ही राइट है। इसको हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दोगुनी होती है, दोनों ही बात आपकी सही होगी। हमने आपको अवतल में भी सिद्ध करना बता दिया, उत्तल में भी सिद्ध करना बता दिया। तो फिलहाल एक चीज़ दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने ये यहाँ पे लिखा ये ना कहाँ से मैंने लिख दिया ना, देखिए फिलहाल वैसे इसका कोई काम नहीं है अभी इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था ये यहीं बेटर था, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे हटा भी देता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहीं ही बेटर था, वैसे अभी इसका यूज कहीं आया नहीं, बट बताया गया है ये यहाँ पे कि जब दर्पण का द्वारा छोटा हो जाए तो तभी तो आप बराबर करेंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो यहाँ आप पी एफ का मान कैसे रख पाए। तो ये हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ है कि आप यहाँ इसे नहीं लिखेंगे तब पर भी बेटर ही रहेगा, यही ये ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा और आप कायदे से समझ गए होंगे कि हम कैसे सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको संबंध आया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, और नहीं समझ में आया है तो वो भी बताइए, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।